तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यथ ले आए हो, भोग करण को काफी थी मोए भाड़ी जो बाबुल के दरवाजे पे दूल्हा बन के क्यों गए? मैं तुम्हारे घर में बाहर झोंकूंगी, नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग नहीं जा सकती। राजा पर जवाब नहीं आया भक्तों। मेरे भाइयों, रानी सुनीत को पता लगा हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। जिस अंडा पे मैं आस किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा। मेरे भक्तों, महारानी सुनीत महलों में से निकली, दरवाजे पर आकर के सौत के दोनों पैर पकड़ लिए। पत्थर दिलवाली ने बाकी छाती में लात मारी, छोड़ मेरे पैर, तूने गंदे हाथ मेरे पैर से क्यों लगा दिए? लात लगने पर भी पैर नहीं छोड़े और कहने लगी, दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी अंदर चलो, लला को खिलाती रहूंगी, मैं बांदी बन के रहूं। इन शब्दों ने तो यह मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी। कहने लगी, सुन लो प्रिया, कान खोल, ये कुलवंतन का कह रही है। जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती हो, कह रही मैं तेरे लला खिलाऊंगी, जाए मैं अपना लला खिलाने को दूंगी। अगर मैंने अपना लला खिलाने को दिया तो मेरे बच्चे का गला घोंट देगी
और हम तुम हंस हंस के जब रस भरी प्यार भरी बातें करेंगे जो इतनी जल जाएगी या हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसलिए नांगन को अलग करो। सुनी थी बोली दीदी कैसे अंदर चलो, बताओ तो खेतों पे झोपड़ी डाल लें या बताओ तो जोगिन मन के निकल जाए। कहने लगी मैं बताऊं वो करेगी उन्हें, हाँ करूंगी तो सुन। रंग महल को त्याग बिरार तुक्का दुआटा बैठारी एक नील को लहंगा पहन रे के गली की ओढ़ी असारी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस लेकर छज्जा पे खड़ी हो जा। काग न बैठ पाए छज्जा पर, मैं दूसरे घर में चाकी रखवा दूंगी, एक शेर जो दूंगी तुझे पीस करके नमक से रोटी खा, और मेरे पति से सपने में भी आंख मिलाई तू ओरी परखटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। मेरे भाइयों, रानी सुनीत कहने लगी दीदी हमें मंजूर है एक शेर जो बहुत है मेरे लिए। उसी समय नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस लेकर अटा पे पहुंच गई और जब डोला में से महलों में आ गई। नील का लहंगा गजी की साड़ी टूटू खटोला फटी सी रह जाई, दिन भर काग उड़ाती हैं शाम को जौ की रोटी नमक से खाती। समझिए बहनाओ कितना त्याग था तुम्हारे अंदर। पहले की देवियां पति की खुशी के लिए अपनी खुशियों में आग लगा देती थी, लेकिन अब ये पढ़ी लिखी कैसी हो गई भक्तों बताऊं। आराम इसके पर्दे में ये जीवन खोती जाती है, हलवा पूरी खाने पर जे Thank you.
राम ऐश के पर्दा में जो जीवन खोती जाती है वो हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती है। इन आरामन को स्वर्ग समझ इनने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया आज की पढ़ी लिखी लड़की ने। और भक्तों, जिस देश की तीन चीजें बदल जाती वो देश खोखला हो जाता है। कौन कौन सी तीन चीजें? भेष, भोजन और भाषा। हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भेष बदल गया, पहले हम धोती कुर्ता अचकन पहना करते थे, अब क्या पहन रहे? पैंट, अंग्रेजों की जूठन पैंट, पढ़े लिखे भी पैंट और बिना पढ़े लिखे भी पैंट। अरे लड़कियां तक पैंट पहन रही हैं, वो घुटनों पे फटे। विवेकानंद अमेरिका में गए तो अमेरिका वाले भारत की बुराई कर रहे थे। विवेकानंद बोले, अमेरिका वालों, तुम्हारे यहां की संस्कृति हमारे यहां कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। तुम्हारे यहां की संस्कृति हमारे यहां कुत्तों में है, तुम भारत की बुराई कर रहे हो। अब भेष बदल गया, भाषा बदल गई। मैं जिला बाराबंकी में कथा कह रहे, शाम को 5 बजे कथा विराम हुई। एक मास्टर साहब आए, बातचीत होने लगी, चली गई। थोड़ी देर में उनकी लड़की आई, 20-22 साल की, चुस्त पैंट चुस्त शर्ट, और हमसे बोली, स्वामी जी। हमने कहा, हमारे डैड यहां बैठे सो कहां गई? डैड, हम तुम कहते हो पिताजी दादा, बकरी डैड, डैड बॉडी मरो बहु। मैंने कहा, क्यों लड़की? डैडी क्यों कह रही है, पिताजी नहीं कह सकती? लड़की बोली, कहूं पिताजी तो कठिनाई आती है, टकरा तो लिपस्टिक छूट जाती है। जब मैं पिताजी कहूंगी तो वो टकराएंगे, लिपस्टिक छूट जाएगी। डैड कहते, भाषा बदल गई, भोजन बदल गई। सुबह दूध दही मक्खन मट्ठा ये सुबह लेते थे, अब चाय चाटो, अब चाय चाटो, दूध दही मक्खन अब खाते ही नहीं। कन्हैया ने मक्खन खाया, नाम गोपाल पड़ा, 1 लाख गाय पाली। अब मक्खन खाए है ही नहीं, मक्खन खाएगा? यहां तक है तुम मक्खन जानते हो ना? अच्छा, तुम इतनी जसोदा बैठी हो, बताओ मक्खन कैसे खाते? बोलो, जानती हो मक्खन कैसे खाते? नहीं जानती। जब मक्खन जानती नहीं तो लले का खबे। मक्खन जब जानती नहीं, हाँ तो बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सही। दही के ऊपर दो दो अंगुल मलाई जो जमती है उसे मक्खन कहते हैं। और कितनी सुंदर बाजरा की रोटी भी धर के खइयो का उतने मक्का की रोटी। जब मालिम भक्त राम आंगनी में आए गए, समझिए 8 महीने हो गए रानी सुनीत को, पति से बात करना दूर है, पति की सूरत भी नहीं देखी, छाया भी नहीं देखी। एक बात और बताऊं भक्तों,
मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती। इसी तरह से अपनी पति को सच्चा प्यार करती हैं माताएं, वो पति के बिना नहीं रह सकती। रात के 12 बजे सोचन लगी, जब प्राण नाथ देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों हैं? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। चली है लेकिन पति की बहुत याद आई, जा रही हूं कह रही है, ओए याद पिया तेरी आई रही है मैं तो जा रही हूं, पहुंचे। एक कुआ है, उसमें गिरने के लिए आगे बढ़ी, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। और देव ऋषि नारद ने जब रात के 12 बजे एक स्त्री को कुआ की तरफ लपकते हुए देखा तो समझ गए कि जो कुछ अनिष्ट करने आई। उसी समय बोले, ए लड़की, इस घोर रात्रि में बियाबान जंगल में आप क्यों आई हो? यहाँ क्यों खड़ी हो बेटी? आप कौन हो? मैं एक महात्मा हूँ। महात्मा? हाँ, महात्माओं के लिए दत्तात्रेय ने गीता में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा त्यजताम लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानान्नम हृदयम्। महात्मा नौजवान है और काठ की औरत बनी खड़ी है, तो महात्मा को दो खेत बच के निकलना चाहिए। तुम कामदेव बड़ा प्रबल है, जाने किस पे तबीयत को मचला दे, किससे अखियां लड़वा दे, जाने किस पर दे से मुस्करा दे। और कबीर ने तो यहां तक लिखा है, बताऊं? बताओ। गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, संत बायद रुक गौ सबको जय खो। कबीर ने लिखा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, कन अगर वहां संत वहां रुक गया तो हो सकता है कि सबको सर्वस्व नष्ट हो जाए। तुम कैसे महात्मा हो, रात के 12 बजे एक अकेली औरत से बात कर रहे हो? बेटी, हाँ, मैं देख रहा हूँ एक घोर रात्रि बियाबान जंगल में आप घूम रही हो, चेहरा उदासी है, तो महात्माओं का यह कर्तव्य है अगर कोई यहाँ पर घूम रहा है अकेले में तो उसे पूछना चाहिए। कर्तव्य आसाराम को बनो, राम रहीमों को, रामपाल को बेकार की बातें मत करो, जाओ जाके भजन करो, क्या जरूरत है हमसे बात करने की? बेटी, आप यहाँ क्यों आई हो? मरने। क्यों? अब तुम सच्चे योगी हो तो योग शक्ति से सोचो, एक हम जैसी नादान मौत की गोद में क्यों सोना चाहता है?